जय श्री राम। दोस्तों, आज का जो मंत्र है वो मंत्र बहुत ही विशेष है, क्योंकि दोस्तों आज आप सबका 45 दिन पूरा हो जाएगा। आज आप 45वें मंत्र को जो है करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप इस मंत्र को करके आप हमारे साथ इस मंत्र को पहले बोलिए। दक्षिण पश्चिम में जो है, पश्चिम का जो दीवाल है नैऋत्य कोण में, एग्जैक्ट आपको नैऋत्य कोण में खड़े होकर इस मंत्र को बोलना है। फेस आपका पूरब की तरफ जो है वो होना चाहिए। फेस दोस्तों, आप पूरब की तरफ फेस करके आपको इस मंत्र को दोस्तों 9 बार, 45 बार या 108 बार इस मंत्र को बोलना रहेगा। दोस्तों, यदि आज हो सके तो इस मंत्र को 108 बार बोलिएगा, क्योंकि आज आपका 45 दिन पूरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, या आप दोस्तों नैऋत्य में खड़े होकर पूरब की तरफ फेस करके, और दोस्तों नैऋत्य में खड़े होकर सीधा 180 डिग्री पर आप देखेंगे तो आपको ईशान कोण दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरब की तरफ और एक बार, और दूसरी बार दोस्तों आप जो है वहाँ से थोड़ा सा तिरछा खड़े होकर सीधा आप जो है ईशान कोण को देखिए, यानी उत्तर पूरब के कोने को देखिए, यानी आप नैऋत्य में खड़े हैं, ईशान कोण को देख रहे हैं, तो यानी आपका वहाँ से 180 डिग्री पर आप खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप जो है पश्चिम और दक्षिण के पास खड़े होकर पूरब की तरफ फेस करके इस मंत्र को बोलना है। ओम पित्रे नमः, 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 ओम पित्रे नमः। ये दोस्तों मैंने 9 बार आप सबके साथ मंत्र बोला, लेकिन आज आपको इस मंत्र को 9 बार से ज़्यादा 45 बार या 108 बार इस मंत्र को आपको बोलना रहेगा। आज दोस्तों आपका जो है 45 दिन का जो भी आपकी सीरीज थी, ये इच्छा पूर्ति थी, वो आज इच्छा की पूर्ति आज आपकी हो जाएगी। आज आपका 45 दिन पूरा हो रहा है, तो पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस मंत्र को आप जो है 9 बार, 45 बार या 108 बार बोलिए, और वहीं पर खड़े होकर धरती को प्रणाम कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सभी देवताओं का ध्यान कीजिए, भगवान आज हमारा 45 दिन पूरा हो गया, जो आपकी इच्छा की पूर्ति थी आप उसको जो है दोहराइए। अब भगवान से बोलिए कि आज हमारा जो है 360 डिग्री जो है पूरा, हमारा घर जो है वो प्योर हो गया, ब्रह्मांड का सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है वो हमारा पूरा हो गया। तो भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति जो है कीजिए। मैंने जो है पूरा श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ 45 दिन तक आपका मैंने पूरा मंत्र को किया, तो आज आप हमारे इच्छा की पूर्ति कीजिए। और दोस्तों, आप जो है उस दिन जो है आप अपने घर में कुछ भी जो है मीठा बनाकर, खीर हो सके, मिठाई हो सके, जो भी हो सके आप जो है उसको बनाकर, भगवान का भोग लगाकर सबको जो है वो प्रसाद जो है घर में लीजिएगा। आज के दिन जो है ज़रूर आप कोई न कोई मीठा का भोग भगवान को लगाइएगा। और दोस्तों जो है आज जो है इस मंत्र को हो सके तो जो है सुबह में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर मंत्र को सुबह में योग बनता है दोस्तों। बाकी जैसा समय हो, सामर्थ्य हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो मंत्र है ये विशेष है, तो सुबह में कर घर में दोस्तों जो है आपको जो है थोड़ा सा मिठाई का भोग, खीर का भोग, जो भी आप कोई भी एक मीठा बना सकें या बाहर से ला सकें, घर में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सको तो खीर बना लीजिए, सेवई बना लीजिए, या थोड़ा सा मिठाई बना लीजिए, या रबड़ी बना लीजिए, कुछ भी जो है भगवान का भोग लगाइए, अपने इच्छा की पूर्ति को दोहराइए। भगवान से प्रार्थना करिए कि आज हमारा सीरीज 45 दिन का पूरा हो गया, हमारी इच्छा को भगवान आप पूरा कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आज जो है 45 दिन पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति भगवान बहुत ही जल्दी आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, और आपको सरप्राइज जो है रिजल्ट पूरे घर में जो है आप देखेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, और आपको जो है इच्छा की पूर्ति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 45 दिन पूरा होने के बाद हम सीरीज अपना दोबारा जो है वो शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन आज जो है आपकी एक इच्छा की पहले पूर्ति हो जाए।
उसके बाद हम दोस्तों फिर से जो है सीरीज को चालू करेंगे, लेकिन एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद आप जब दोबारा सीरीज को शुरू करेंगे तो दोबारा कोई भी इच्छा की पूर्ति लेकर जो है आप चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका जो है भगवान इच्छा की पूर्ति करें, भगवान आपका कल्याण करें, आप 45 दिन हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ऐसा जो है 3 बार इस मंत्र को बोलकर धरती को 3 बार जो है प्रणाम करिएगा और भगवान से कहिएगा कि जो मैंने इच्छा 45 दिन से लेकर चला था उसकी इच्छा की पूर्ति कीजिए। जय श्री राम।